अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, साइंस में हम पढ़े थे अपना चैप्टर नंबर 5, मटेरियल्स ऑल अराउंड अस. हम लोगों ने तकरीबन तमाम टॉपिक्स को जो है वो मुकम्मल कर लिया है, तमाम टॉपिक्स को पढ़ लिया है. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा. और आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है पेज नंबर 114 यानी 114 पर मौजूद मैप इट आउट. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम भी कि ये मैप इट आउट हमें क्या शो करता है. ये हमें बताता है कि हमने इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को पढ़ा, किन किन टॉपिक्स को समझा. सो लेट्स रीड आउट. मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब जो है वो कौन से मटेरियल्स, कौन सा सामान यूज़ हो रहा है किसी भी चीज़ के बनने में. ठीक है, मटेरियल्स कैन बी नेचुरल, मटेरियल्स नेचुरल भी हो सकते हैं. मटेरियल्स कैन बी मैन मेड, मटेरियल्स इंसानों के बनाए हुए भी हो सकते हैं. अगेन, मटेरियल्स कैन बी नेचुरल, कैन बी मैन मेड. मटेरियल्स की दो टाइप्स, नेचुरल मटेरियल्स, मैन मेड मटेरियल्स. अब नेचुरल मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आते हैं, आई होप आप लोग को आंसर पता होगा. नंबर 1, प्लांट से. नंबर 2, एनिमल्स से. नंबर 3, ग्राउंड से यानी ज़ेरे ज़मीन. आइए देखते हैं. मटेरियल्स कैन बी नेचुरल, नेचुरल मटेरियल्स वो नेचुरल मटेरियल्स की एग्जांपल यहाँ पर बताई गई है जो कि एनिमल्स से हासिल होते हैं. किस तरह? सच इज लेदर. मैंने आप लोगों को बताया था कि लेदर हमें एनिमल्स की स्किन से हासिल होता है, जिसके हम शूज़ पहन रहे होते हैं, जिसके बैग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी जैकेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, सच है सिल्क. सिल्क हम कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं? सिल्क वॉर्म से. और सिल्क वॉर्म क्या है? एनिमल की टाइप. सच इज वूल. वूल यानी के ऊन. ऊन को हम कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं? शीप से. तो शीप एक एनिमल है. सच इज फीडर्स. फीडर्स हम कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं? चिकन से, मुर्गी से. ठीक है, तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ से मिल गए, सॉरी ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ, मटेरियल्स, ये तमाम मटेरियल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल्स से. अब प्लांट से देखते हैं. नेचुरल मटेरियल्स सच एज कॉटन. कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. रबर, रबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. सच एज वुड. वुड हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स के स्टेम से. ठीक है, मेटल. अच्छा, अब हम अगर उन मटेरियल की बात करें जो ग्राउंड से मिलते हैं, अंडरग्राउंड, सच एज मेटल्स. जितनी भी धातें होती हैं, जितने भी मेटल्स जैसे कि स्टील, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, बहुत सारी होती हैं मेटल्स, तो ये सब कहाँ से मिलती हैं? नेचुरल मटेरियल है और ज़मीन के नीचे से मिलती है. मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स हमने पढ़े, प्लांट से हासिल होते हैं, एनिमल्स से हासिल होते हैं और अंडरग्राउंड से हासिल होते हैं. आइए पढ़ते हैं. मेन मेड मटेरियल्स, इंसानों के बनाए हुए मटेरियल्स. इंसानों के बनाए हुए मटेरियल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सच एज प्लास्टिक, सेरेमिक्स, ग्लास, स्टील. अच्छा, स्टील वैसे तो मेटल है, लेकिन अगर इसको कोई शेप दे दिया जाए, किसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाए, जैसे कि स्टील प्लेट होती है, स्टील स्पून होता है, तो उसको शक्ल किसने दी? इंसानों ने. तो इसीलिए इसको कहाँ डाल दिया? मेन मेड मटेरियल में. स्टील वैसे मेटल है, ठीक है, लेकिन शेप देने पर ये किस मटेरियल में आ गई? मेन मेड में. मेन मेड मटेरियल स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, सेरेमिक्स. नाउ मटेरियल्स हैव प्रॉपर्टीज़. मटेरियल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? टोटली हमने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मटेरियल्स की खसूसियात के बारे में. ठीक है, अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सच एज एब्जॉर्बेंसी. कुछ मटेरियल्स एब्जॉर्बेंस होते हैं, जस्ट कर लेते हैं ईजीली लिक्विड्स को, चीज़ों को. ठीक है, एबिलिटी होती है इन इनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की. कुछ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है उनकी, वो हैवी लोड को ईजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं और ब्रेक भी नहीं होते. ठीक है, हार्डनेस, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, उन पर स्क्रैचेस नहीं आते. मैंने आप लोग को बताया था स्क्रैचेस नहीं आते.
कुछ मटेरियल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है उनके अंदर, ये एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो इजीली मुड़ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल देखें नहीं है, ये मुड़ नहीं रहा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल वो तमाम मटेरियल्स जो इजीली मुड़ सकते हैं, सच एज हीट कंडक्टिविटी। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज दैट हेल्प अस चूज मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें किस में मदद करती हैं, मटेरियल को चूज करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी ख़ास मकसद के लिए, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मटेरियल्स नेचुरल मटेरियल्स भी होते हैं, मेन मेड मटेरियल्स भी होते हैं। नेचुरल मटेरियल्स हमें एनिमल्स, प्लांट्स और अंडरग्राउंड से हासिल होते हैं, वाइल मैन मेड मटेरियल्स हमारे वो होते हैं जो इंसानों के बनाए हुए होते हैं। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मटेरियल्स एब्जॉर्बेंट होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हीट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए चीज़ों का इंतखाब करते हैं। आई होप आप लोग को ये मैप इट आउट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।